ये खुदे बैठे हुए हैं, ये तो सत्य है। जो दूसरे को नीचा दिखाने में पड़ा रहता है वो खुद ही पहले बात नीचा हो जाता है। आज जो टहल टहल करके और ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इनको ये इस बहाने से कर रहे हैं कि हम देख लें कि मोदी जी ने क्या किया। अच्छा। और मोदी जी ने जो किया है ये शायद एक संभव। अच्छा। ये अपने जमीन में झांक करके देखेंगे तो इनकी कुवत की बस की बात नहीं थी, इनके बस की बात नहीं है और कभी नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस के बस की क्या नाम हो गया जी? मेरा पंडित मनोज शर्मा नाम है। तो शर्मा जी, क्या लगता है देश के जो हालात हैं, जो स्थिति है, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और ये सरकार विफल रही है, अपने काम जो इन्होंने गिनवाए थे वो नहीं कर पाई है जी? पहले बात तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि उन्हें महंगाई वाले जो मुद्दे कर रहे हैं जरा वो अब सर्च करके देखें। 2014 के पहले तो यही टमाटर, यही प्याज, यही और भी जो चीज़ें हैं वो अनार के भाव बिकते थे। आज कंडीशन क्या है कि आप मार्केट में चले जाइए तो 50 रुपये लेकर चले जाइए और एक झोला सर्विस सब्जी भर करके और लेकर चले आएंगे, समझ रहे हैं? यही मटर जो होती थी वो मिलती नहीं थी। आज गाड़ी के गाड़ी जो है उतर रही है, आज गाड़ी के गाड़ी लद रही है और 20-20 रुपये किलो बिक रही है, जो कभी कैलकुलेट करने पर 100 रुपये किलो पड़ती थी, आज वो 20 रुपये किलो मिल रही है। दूसरी बात रही सिलेंडर की, लोग हल्ला करते हैं कि सिलेंडर 1000 रुपये में है, इतने में है, उतने में है। पहले घर पहले सोचते थे कि सिलेंडर होता क्या है, पहले 100 लोगों में 70 लोग यही नहीं जानते कि सिलेंडर क्या चीज़ है। आज वो कंडीशन है कि जो छोटा सा बच्चा भी है वो भी जानता है कि सिलेंडर है, इससे खाना बनता है, इससे कंपनी चल रही है, इससे ये हो रहा है, इससे हो रहा है, माने छोटे से काम से लेकर के बड़े काम तक सारे सिलेंडर से हो रहे हैं। जिसके और मोदी जी की देन है कि आज हर घर में जो महिलाएं बेचारी आँख फूट जाती थी, समय से पहले अंधी हो जाती थी, लकड़ियाँ और वो खोजने पर भी नहीं मिलते थे, आज उनके घर में सिलेंडर है, एक नहीं, दो नहीं, तीन है, जितने सदस्य हैं, जय चूल्हे हैं तय सिलेंडर है। निश्चित रूप से जब जिस चीज़ की खिंचाव ज़्यादा होगा, जिस चीज़ पर वो होगा, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ। और कहते हैं कि सारी चीज़ें तो अंबानी अडानी को बेच दी मोदी जी ने जी। कुछ छोड़ा नहीं देश में, सब बेचे जा रहे हैं, सब अंबानी अडानी को दिए जा रहे हैं। तो क्या इनके पास कोई लिखितनामा आया है? कोई इनके पास लिखित नामा आया है कि क्या बेचे हैं क्या नहीं? दुनिया जो और 140 करोड़ की जनता है वो अंधी नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी कह रहे हैं और राहुल गांधी जो चट्टे बट्टे हैं वो कह रहे हैं। बाकी हमारा देश पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है और बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है जी। ये मैं चैलेंज कहता हूँ और मैं यही नहीं, कांग्रेस तो कहती है हमारे टाइम में इतना कुछ हुआ, IIT, एम्स, तमाम हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ दिया। अच्छा, मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने वो दिया कि जो इनको जो जैसे कोई मर रहा हो और उसमें उसको ऑक्सीजन दे दिया जाए। इनके पास तो ठीक है, जो पहले ये हॉस्पिटल चलाए या जो भी किए उनमें डॉक्टरों की संख्या कम थी, वो और जो डॉक्टर थे वो भी परिपक्व नहीं थे। आज की वो कंडीशन है कि जो भी डॉक्टर हैं, चाहे छोटे नर्स से लेकर के और बड़े CMO तक भी जो भी हैं, सब पढ़े लिखे और हुनरदार हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ कभी एक सेम एम हुआ करता था वो हर जगह हर अच्छे अच्छे शहरों में संख्याएं बढ़ी हैं, खाट की, बिस्तर की और उसके धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया। आज केवल यही काम हो रहा है BJP में, ये खुद ही बैठे हुए हैं, ये तो सत्य है। जो दूसरे को नीचा दिखाने में पड़ा रहता है वो खुद ही पहले बात नीचा हो जाता है। आज जो टहल टहल करके और ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इनको ये इस बहाने से कर रहे हैं कि हम देख लें कि मोदी जी ने क्या किया। अच्छा। और मोदी जी ने जो किया है ये शायद एक संभव। अच्छा। ये अपने जमीन में झांक करके देखेंगे तो इनके कुवत की बस की बात नहीं थी, इनके बस की बात नहीं है और कभी नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस के बस की नहीं था जो मोदी ने कर दिया। जी जी, कभी नहीं है, कभी नहीं है और कभी नहीं था। अच्छा। और न कभी होगा। इतना जोर दे रहे हैं मोदी जी के नाम पर, इतना जोर दे रहे हैं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है जी। इसके साथ मैं अपना कांग्रेस क्यों नहीं आएगी उसका कारण है, कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सबसे बड़ा रीजन है 1984 में जो हमारे भारत में किसी का बेटा किसी का भाई चला गया, वो दुख अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं जिस तरह से कांड हुए थे। इसीलिए एक मिनट दोबारा आता हूँ, शर्मा जी थोड़ा जाते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। शर्मा जी देखिए, तमाम चीजें हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा आई और राहुल गांधी ने कहा नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, नफरत फैल गई है,
नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ कांग्रेस के साथ लग जाओ, राहुल गांधी के साथ लग जाओ। आज भाई भाई से जो लड़ रहा था उसने लड़ाई छोड़कर, राहुल गांधी से प्रभावित होकर वो लड़ाई छोड़ दी, वो कांग्रेस के साथ आ गया। ठीक है, आपको मैं छोटी सी बात में बड़ी बात कहना चाहूँगा। सोने की दुकान होती है, ज्वेलरी की दुकान होती है, वो कभी नहीं बुलाता कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा सोना इतने में है, इतना में है, इतने में है, कम हो गया कम हो गया, ये कभी नहीं कहता। और एक यही देख लो, लाल किले से लेकर के यहाँ तक जो 5 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं दरवाजे से, सामने भैया ये मेरा इतने का है, इतने में ले लो। अरे प्लीज़ भाई इतने में नहीं, इतने में ले लो। अच्छा चलो ठीक है, अपने भी जो 1 रुपए भी मार्जिन मिल रही है वो दे रहे हैं। क्या सोने की दुकान पर जाओगे तो क्या वो आपको कहेगा कि नहीं नहीं आप इतने में ले लीजिए? कभी नहीं कहेगा। आपका गर्ज होगा, 100 बार गर्ज होगा, 100 बार गर्ज होगा। आप जाएंगे ज्वेलरी के पास और वो जितना रेट बता देगा वो आपको देना पड़ेगा और दे दोगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सोने के हैं? जी सोने के ही नहीं, हीरे के हैं। अच्छा। जवाहर के हैं, मोती के हैं। अच्छा। पन्ना के हैं, पोखराज के हैं। और मेरी सोच नहीं, 80% जी। राहुल गांधी किसके हैं? राहुल गांधी ऐसे हैं जैसे हम सब हैं वैसे वो भी हैं, चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे, हाँ जी। चट्टे बट्टे क्यों भाई साहब? अरे राजा के घर में पैदा हुए, सोने की चम्मच के साथ। हाँ। आप कह रहे चट्टे बट्टे? तो वही सोने की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। कुछ फायदा हो सकता है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा से? सिर्फ इतना फायदा हो सकता है कि 10-15 सीटें कांग्रेस की निकल आए। अच्छा। बस बाकी प्रधानमंत्री नहीं, 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 नहीं। अरे रेलवे बहुत दूर है, प्रधानमंत्री की बहुत दूर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बनेंगे, इसलिए उनकी भी खंडित सरकार बनेगी। तो बनेगा कौन? अरे उन्हीं का योगी जी बनेंगे, और कौन बनेंगे? योगी आ जाए, बाईपास हो गए। अरे हो जाएंगे योगी जी, लेकिन एक बात सुन लो, सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में केजरीवाल। अगर हाँ दिल्ली में केजरीवाल तो उससे क्या होगा? उसे होगा है तो यही मामला तो है, सेंटर में बीजेपी, दिल्ली में केजरीवाल। कल देखा नहीं केजरीवाल को इतना चिल्ला रहे थे एलजी कौन है? सुनिए तो, केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है। अच्छा। पटरी में जो लोग बैठते हैं, सामान बेचते हैं, उनके सामानों को आए दिन कमेटी आती है केजरीवाल जी से। एमसीडी भी केजरीवाल की, अब तो दोनों चीज हो गई। अरे अभी तो 2-4 दिन हुआ है, अभी तो एक्शन। अच्छा कहाँ सपने में है, उतरी नहीं रात वाली। हम तो पीते नहीं शराब, कुछ छूते नहीं। अच्छा। और शराब की नशा किस चीज का है? आज आपको यही नहीं पता लग रहा कि केजरीवाल एमसीडी में भी आ गए? नशा है भोलेनाथ का, जिसके भाग्य में लिखा होगा वो राज करेगा। केजरीवाल जी ने कुछ लिखा के लाए होंगे। आप देखिए रोड लाइटिंग, देखो चांदनी चौक फतेहपुरी के बीच में कितनी सुंदर है। मेरे कहने का ये मतलब है। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद फैज सिद्दीकी। मोहम्मद साहब क्या हालचाल? बहुत बढ़िया है। क्या खरीद लाए? हाँ बढ़िया। अरे बताइए क्या चल रहा है देश में, प्रधानमंत्री कौन बने अगला, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देश में अभी देखो 2024 करीब है, जब है दिल की बात बोलिए, क्या लगता है राहुल गांधी सही रहे या नरेंद्र मोदी सही रहे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अरे कुछ तो कह दीजिए, अरे दिल की बात बाहर निकाल दीजिए। डरना नहीं है किसी से। कौन डर रहा है? बोलो ना। कौन डर रहा है? आप डर रहे हैं? बोलिए। कौन डर रहा है? जब नहीं बोल रहे आप। कौन डर रहा है? बोलो। डर कोई नहीं रहा। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कोई भी बन जाए, हम तो कह रहे हैं। तो वोट बना है? वोट बना। तो फिर भी लगता होगा कि ये आदमी देश के लिए बढ़िया है, ये आदमी ऐसा है कि हाँ इससे देश बहुत बढ़िया चल सकता है, तो वो चेहरा कोई ऐसा नजर आता है, कोई पसंद आता है देश के लिए? देश के लिए जो गट्स हैं, जो देखे जाएं एजुकेशन पे जो काम कर रही है दिल्ली में, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने चाहिए? प्रधानमंत्री बिल्कुल बनने चाहिए। बनने चाहिए बिल्कुल। तो क्या मोदी जी को समय आ गया बदलने का? मोदी जी को देखो, जनता जनता जनार्दन है, बदलना चाहिए। आप ही तो जनता है, आप ही तो बदलेंगे जिसको भी बदलेंगे। तो दिल्ली के उससे थोड़ी होगा, मेन तो यूपी टारगेट है, 80 सीटों का क्या करेंगे आप? बन जाएगी। क्या लग रहा है यूपी में फिर भाजपा? यूपी में फिर भाजपा? यूपी में भाजपा, दिल्ली में केजरीवाल। ये सलीम भाई है, मेरा नाम राजेश है। मोदी जी की गवर्नमेंट बनेगी कब? उस सबसे पहले एक 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 सिचुएशन दे रहा हूँ मोदी जी को, मन की बात। जो आप मंदिर बना रहे हो, मंदिर आपका तैयार हो रहा है, उसके बगल में जो मस्जिद के लिए जगह दी है, वो भी मस्जिद को भी आप बनवाइए, आप उसका निर्माण कीजिए, जब हिंदू मुसलमानों की मस्जिद मंदिर बन जाएगी। एक अच्छी बात बताऊँ, आप सब खड़े हुए हैं आज, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतरीन बात की है। आपने देखा हो, ट्विटर भी चलाते हो या कुछ चलाते हो, उन्होंने कहा देखो जी जो मुसलमानों पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं वो रुक जाएं, बंद कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। जो पसमानदा मुसलमान है
उनको उनसे भी बात कीजिए, उनसे जाकर मिलिए, उनके खिलाफ कभी कुछ बोलिएगा। आप कौन से में पासमंदा में ही आते हैं? पासमंदा मतलब मुसलमानों में 3-4 कैटेगरी होती है अलग अलग। हम सुन्नी हैं। आप सुन्नी हैं। क्या इसका क्या असर रहा है मोदी जी का इस बात का जो उन्होंने आज कही है कि मुसलमान भी हमारे हैं, इनके खिलाफ कभी कुछ मत बोलिए? अच्छी बात है, बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवा।